तहसील फतेहबाद में पहुंच छात्रों एवं हिंदूवादी नेता धीरज धाकरे द्वारा कोचिंग सेंटर व ट्यूशन चालू करने का सौंपा ज्ञापन। धीरज धाकरे ने बताया कि आगरा में छात्र व छात्राओं की परीक्षाएं होने को हैं तथा विद्यालय बंद होने के कारण कोर्स अभी अधूरे पड़े हुए हैं तथा छात्र और छात्राओं की पढ़ाई पर काफी असर पड़ रहा है। ज्यादातर कोचिंग सेंटर भी बंद हैं जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है। इस संबंध में धीरज धाकरे द्वारा ज्ञापन दिया गया है तथा उन्होंने कहा है कि सभी विद्यालय एवं कोचिंग सेंटर को खोल दिया जाए जिससे छात्र छात्राओं के भविष्य में नुकसान न पहुंचे। कुछ छात्र एवं छात्राएं गरीब घर से भी हैं तो उनके पास स्मार्टफोन न होने के कारण वे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, इसलिए कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सभी विद्यालयों एवं कोचिंग सेंटर को खोल। मेरा नाम धीरज धाकरे है। आज तहसील फतेहाबाद में ज्ञापन दिया, किस संबंध में ज्ञापन दिया? हमारे कस्बा शमशाबाद में छात्रों के साथ शिक्षक बहुत अन्याय कर रहे हैं। अपनी कोचिंगें कभी छत पर खोल रहे हैं तो कोई दुबके छुपके चला रहे हैं कोचिंगों को टीचर्स। दूसरी बात, हम जहां मोबाइल स्मार्टफोन है वो अपने ऑनलाइन चला रहे हैं, लेकिन जहां गरीब की बात आती है तो गरीब के जो छात्र हैं, गरीब छात्र हैं जो भी, तो वो कैसे अपना चलाएं जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वहां समस्या आ रही है। केवल या तो कोचिंगों को बंद किया जाए पूरी तरह या सबको खोला जाए, इस संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। अगर नहीं देंगे, अगर इसमें दो दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो हम छात्रों को लेकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन रहेगा गांधी चौराहे पर शमशाबाद।